फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम दया है और मैं आपका अपने चैनल ओशन टेक्निकल गुरुजी पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आपको मर्चेंट नेवी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर दूंगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ इस चैनल पर जुड़े रहिए। तो फ्रेंड्स, मर्चेंट नेवी क्या है और ये गवर्नमेंट है कि प्राइवेट है और इसके अंदर काम क्या होता है और मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए आपको और उसमें क्या एज चाहिए और कैसे मेडिकल होता है, कोर्स से पहले कैसे मेडिकल होता है, कोर्स के बाद कैसे मेडिकल होता है और कैसे एग्ज़ाम होता है, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें एग्ज़ाम कोर्स से पहले भी होता है और कोर्स के बाद भी आपका एग्ज़ाम होता है और कैसे एंट्री होता है। सर फ्रेंड्स, कोर्स ज्वाइन करने से पहले भी कुछ इंस्टीट्यूट आपका इंटरव्यू लेती है और शिप पे जाने से पहले आपका इंटरव्यू होता है और आपका कैसे प्लेसमेंट होगा, तो मैं आपको ये चीज़ सारी चीज़ आपको इस चैनल में बताऊँगा। और मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए फ्रेंड्स कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी है, तो मैं आपको बताऊँगा। फ्रेंड्स, वैसे देखा जाए तो मर्चेंट नेवी को वही बंदे ज्वाइन करते हैं जिनको अलग अलग कंट्री में घूमना पसंद है, क्योंकि फ्रेंड्स मर्चेंट नेवी की शिप अलग अलग कंट्रियों में जाते रहते हैं और मोस्टली मर्चेंट नेवी को बंदे पैसों के लिए ज्वाइन करते हैं। वैसे देखा जाए तो फ्रेंड्स मुझे भी लगता है कि मर्चेंट नेवी में बहुत पैसा है क्योंकि इसमें सैलरी डॉलर में मिलती है। तो फ्रेंड्स, यह था मेरा इंट्रोडक्शन और आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और क्या एज चाहिए और कौन सा कोर्स आपके लिए बेस्ट रहेगा और कैसे मेडिकल होता है। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।